जोहार, जय धर्म। मैं विनोद भगत, सरना आदिवासी पर्व त्यौहार यूट्यूब चैनल से। आज मैं रांची से चलकर लोहरदगा के अनहट गांव में आया हूं। आज यहां पर करीब 5 घर पर माँ सरना अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए सरना झंडा का बिस्तर किया है और यह गांव अनहट लोहरदगा जिला कुड़ु प्रखंड में शायद पड़ता है। और यहाँ पर जो 5 घर में सरना झंडा दिखाई दे रहा है उसका परिछाई मैं दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं किस किस घर में यह झंडा दिख रहा है उसका नाम मैं एक माँ से पूछ रहे हैं। माए तो कौन कौन घर में दिखा तो के लिखा लिखा या मंजू और रंजिया। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि आज माँ सरना अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए पूरे झारखंड में कोने कोने में अनेक आदिवासी परिवार पर सरना झंडा का लहर दिखाई दे रहा है, लहर को दिखा रहा है। और आज यहाँ पर 5 घर में जो सरना झंडा दिखाई दे रहा है उसके खुशी में यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया है और वहाँ पर माँ सरना का स्तुति किया जा रहा है, माँ सरना का गुणगान किया जा रहा है, माँ सरना का विश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और आप जो लोग यहाँ नहीं आए हैं माँ सरना पर विश्वास कीजिए, आप धर्मेश पर विश्वास कीजिए। धर्मेश, माँ सरना ही वह शक्ति है जो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। अगर हम आज मानते हैं कि जो हम अनाज खाते हैं, चावल, दाल, गेहूं, मटर, टमाटर जो खाते हैं वो माँ सरना का आशीर्वाद है। माँ सरना का आशीर्वाद अर्थात प्राकृतिक शक्ति की आशीर्वाद है जिसके चलते आज हम जी खा रहे हैं। आलू होता है हमारे धरती पर वह प्रकृति की शक्ति के द्वारा होता है। अनाज होता है, दाल होता है, चावल होता है, वह प्रकृति की शक्ति के द्वारा होता है। वही प्राकृतिक शक्ति आज हमको दिख रहा है। इसीलिए आप सारे लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग सरना में आइए और माँ सरना का पूजा कीजिए, प्रकृति का पूजा कीजिए और धर्मेश का स्तुति कीजिए ताकि आने वाला दिनों में हमारे घरों में पूरे देश में किसी के यहाँ पर दुख तकलीफ ना हो और खुशी ही खुशी हो। और जब हम अनाज उत्पादन करने के लिए कुछ भी खेतों में दाना डालते हैं वो एक दाना हजारों गुना दानाओं में बदल कर हमारी जिंदगी को खुशहाल करेगी। तो चलिए आगे हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे। घर दिखाई दे रहा है, ये दशमी उराव का घर है और उसके पति का नाम काली उराव जो स्वर्गीय हो चुके हैं। और इस घर में सरना झंडा दिखाई दे रहा है और ये हनहट में ही है और टोटल 5 घर में दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से कितना झंडा दिखाई दे रहा है। काली उराव के घर पर अभी हैं अंदर में। देखिए यहाँ पर एक छाया दिखाई दे रहा है। भक्तों का मानना है, माँ सरना के भक्तों का मानना है कि ये हमारा पेड़ दिखाई दे रहा है और ये सरना पेड़ दिखाई दे रहा है, यही मानना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम दिखा रहे हैं, आप लोग भी देखने का प्रयास कीजिए। जो धीरे धीरे यह पेड़ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको देखने का प्रयास कीजिए, ये सचमुच में पेड़ की तरह ही है, पेड़ ही है, उसी का छाया दिख रहा है और बिल्कुल पता चल रहा है। तो चलिए अब हम पेड़ दिखाएं, आगे हम और अगला झंडा को दिखाने का काम करेंगे।